हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जून से आपका प्री का पेपर शुरू होने वाला है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। तो 22 दिन आपके सामने बचे हैं, तो 22 दिन का यहाँ पे क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि आपको इंग्लिश और मैथ के वो सारे कंटेंट आपको एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको सफलता मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में देखिए, इसके पहले मैथ का 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और इंग्लिश के कई सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो ये थर्ड मैथ का वीडियो है, जिसमें कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका जो है एसआई से रिलेटेड है, और बाकी आपका टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन रहेंगे और आपका पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे फटाफट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिखेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है। किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया, वह राशि 2 वर्ष में 2420 रुपया हो जाता है तो 3 वर्ष में 2662 रुपया हो गया, तो बताइए राशि क्या है। यहाँ से आपसे पी पूछा गया है, तो पी पूछा गया तो भाई 2 वर्ष तो ठीक था, 2 वर्ष में 2420 रुपया हो जाता, वो मूलधन कितना था नहीं पता, रेट कितना था ये भी नहीं पता था। तो इसको रेट निकालने का एक मैट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका। रेट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, जो कि आपका 3 वर्ष का अमाउंट है 2662 को 2 वर्ष का अमाउंट जो है आप उसको माइनस कीजिए और डिवाइड कीजिए 2 वर्ष के अमाउंट से, ठीक है। 2 वर्ष के अमाउंट से आप यहाँ पर डिवाइड कीजिए, ठीक, और इसका परसेंट वैल्यू निकालना होगा। तो 2662 माइनस 2420 करेंगे तो आंसर जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 242, और नीचे 2420 रह जाएगा, है ना। 2400 यहाँ पे क्या रह जाएगा, 20 रह जाएगा इंटू 100, ठीक है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 से 10 ये चला जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 10%। देखिए अब 10% आपको तो रेट आ गया, जब रेट पता हो गया, ठीक है, तो अब आपको यहाँ से जो है पी आराम से आ जाएगा। कैसे, ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है, 2 वर्ष का हमें सीआई पता करना है, ठीक है, 2 वर्ष का सीआई। तो रेट तो यहाँ से पता चल गया भाई, रेट कितना है 10%, और 2 वर्ष का अगर हमको सीआई चाहिए तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पे क्या करिए, कौन सा मेथड लगाइएगा, सक्सेसिव मेथड का यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। 2 ईयर्स का अगर हम बात करें, 2 ईयर्स का सीआई की बात करें, सीआई की बात करें, तो इसका सक्सेसिव मेथड अगर यूज़ करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, ठीक है, तो करने पे क्या आएगा, हमें 21 आएगा। जब इसे काटेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है, तो 21% आ गया मेरा, ठीक है, इसका 2 साल का सीआई आ गया। अब ये 2 साल का सीआई जो है किसके बराबर है, यहाँ पे 2420 रुपये के बराबर है, ठीक है। जो यहाँ पे आपका सी आई आया, 2 साल का सी आई आया है, परसेंट वैल्यू यहाँ पे 21 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 21 है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा आपका जो 21% है, ठीक है, 21% जो है तो ये कितना है आपका, 100 पे भरा है ना, 100 पर 2 साल का यहाँ पे जो 21% है या 21% है 100 पे भरा है, तो 100 पे अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 121% किसके बराबर है, क्योंकि देखिए 21% की यहाँ पे अगर फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, ध्यान रखिएगा, 21% को फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो ये तो आपका पी होता है, ये होता है अमाउंट, ठीक है। जब दोनों को, सॉरी, ये होता है आपका पी और ये होता है इंटरेस्ट, जब दोनों को ऐड करते हैं ना, 100 और 21 को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है क्या, अमाउंट। अमाउंट कितना बन जाता है, 121%। तो 121% जो है यही 121% किसके बराबर है, आपको 2420 रुपये के बराबर है। अगर 121% यहाँ पे 2420 के बराबर है, तब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 121% जो आया आपका किसके बराबर है, 2420 रुपये के बराबर। तो आपको 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इससे आपको आसानी से 121 दो बार में चला जाएगा, और 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मुझे 2000 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2000 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। तो मुझे पी निकल गया, चूँकि पी हमें यहाँ पे जो पी था यूनिट 100 था, ठीक है, 100 यूनिट का निकालना था मुझे, ठीक, चूँकि 21% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने किया था 21/100, तो 100 क्या था, नीचे पी था, 21 क्या था, इंटरेस्ट था। जब 100 और 21 मिला तो 121 जो हुआ यहाँ पे, 121 क्या था, 121 जो परसेंट था यहाँ पे, ये अमाउंट था, ये अमाउंट 2420 रुपये के बराबर था, मुझे 100 का निकालना, तो 100 का निकालें तो 2000 रुपया यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2000 रुपया आंसर आ गया। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, 2000 रुपये, क्लियर।
चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आगे जो सवाल है यहाँ पे एक टाइम एंड वर्क से मैं लिया हूँ और काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को 9 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं यदि वे बारी बारी से, ध्यान रखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, बारी बारी से मीन्स अल्टरनेटिवली, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन अल्टरनेटिवली वाला आता है। एक एक दिन काम करते हैं तो ए तथा एक काम शुरू करता है, तथा एक कौन करता है, पहले काम कौन शुरू करता है, एक करता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। एक कितने पहले स्टार्ट कौन करता है, ए करता है, ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा बी करेगा, ठीक है, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो पहले ए करता है, चलो ठीक है, ए का यहाँ पे और बी का यहाँ पे लिखते हैं कि ए कितने दिन में करता है, 9 दिन में, ये कितने दिन में करता है, 15 दिन में। दोनों का अगर हम निकालते हैं एलसीएम, मीन्स की टोटल यहाँ जो वर्क हो जाएगा एलसीएम के बराबर, वो हो जाएगा 45। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगा वो क्या आएगा, 9 × 5 = 45 और 15 × 3 = 45, ठीक है। अब देख लीजिए ये जो 5 3 8 है, ये अल्टरनेटिवली जो चला एक ए और बी, ए और बी, ठीक है, ये दो यहाँ पे जैसे कि ध्यान रखिएगा, ए यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो एक एक दिन मीन्स कि ये 2 डेज जो है किसके बराबर हो जाता है, ये 5 3 8 एफिशिएंसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमको 45 तक पहुँचने के लिए 8 में कितना से मल्टीप्लाई करें, 8 से कितना में मल्टीप्लाई करें कि 45 से पहुँचेंगे, 8 × 6 = 48 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 8 × 45 हो गया, ठीक है, और इसमें भी सेम जितना इधर से मल्टीप्लाई किए 5 से उतना इधर भी करना है हमें, तो 2 × 5 = 10, 10 दिन तो मुझे आ गया, ठीक है, 10 डेज तो आ गए। अब और कितना बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो था, ध्यान रखिए ये जो था 8 × 5 = 40, 40 काम यहाँ पे हो चुका था, टोटल काम कितना था 45, टोटल 45 काम था मुझे, ठीक है, और 40 काम अभी भी कितना काम बचा हुआ, 5 काम बचा हुआ है, ठीक है, रेस्ट कितना बचा हुआ, 5 काम। ये 5 काम कौन शुरू करेगा, ये 5 1 शुरू करेगा, क्योंकि ए स्टार्ट किया था तो ए शुरू करेगा, ए का एफिशिएंसी यहाँ पे देख लीजिए 5 है, और 5 से फिर से डिवाइड करते हैं तो एक बार में ही जाता है, ठीक है, एक बार में कट गया, तो यहाँ एक दिन और आ गया, ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 और 1 = 11 दिन आपका आंसर होगा, क्लियर, 10 1 = 11 दिन, 11 दिन होगा, मीन्स कि बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप 60 सेकेंड मीन्स कि 1 मिनट से भी कम कर सकते हैं, कि 30 से 40 सेकेंड में आप इसे कर सकते हैं, सिर्फ आँख से भी देख कर इसे कर सकते हैं। देखिए ए बी सी का निवेश किया गया राशि कितना है, ए बी और सी की निवेश की गई राशि 6000 है, ठीक है। फिर कहा गया कि ए 1000 इन्वेस्ट करता है, चलो एक ए जो है 1000 इन्वेस्ट करता है, बी कितना करता है, तो बी का नहीं पता यहाँ पे 2x है, सी का नहीं पता 3x है ना, बी का नहीं पता, बी बोला बी 2 और 3 के अनुपात में निवेश करता है, तो भाई हमें तो नहीं पता, ए तो 1000 किया है और टोटल यहाँ पे 6000 है, तो जब 1000 इस ए कर लिया है तो बी और सी का जो बचा हुआ कितना होगा, बी और सी का जो भाग बचेगा 6000 में से जो 1000 जाएगा है ना, तो यहाँ तो 5000 बच जाएगा ना, 5000 बच जाएगा, और ये बी और सी जो 5 यूनिट है किसके बराबर है, 5000 के बराबर है, तो 1 यूनिट का यहाँ पे निकल जाएगा 1000, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट जो है मीन्स कि एक्स का यहाँ पे कह सकते हैं वैल्यू, एक का एक्स का वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पे बी के पास 1000 का वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का बी का और सी का, तो यहाँ तो 1000 इसका था, बी का कितना था 2000 और सी का कितना हो गया 3000, क्लियर। यहाँ तो आपको बात समझ में आ गया होगा, ए का वैल्यू 1000, बी का वैल्यू 2000 और सी का वैल्यू 3000, जब इन तीनों को 0 0 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, रेशियो 1 2 और 3 आ जाएगा, 1 2 और 3 का रेशियो आ गया, ठीक है। हमें पूछा गया सी का वैल्यू, मीन्स कि सी का वैल्यू तो 3 2 5 1 6 और सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू कितना है 3, टोटल 3 2 5 1 6 नीचे लिखा, और जो लाभ कितना हुआ 2400 यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो 6 × 4 = 2400 और 400 दिया 1200, मीन्स कि 1200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अप्रोच मैं बताया हूँ, आप इसे शॉर्टकट में कर सकते थे कि ए का यहाँ पे ए बी सी का 6 था, 6000 था,
ठीक है, तो बी सी तो पक्का 5,000 बचेगा। बी सी का वैल्यू दिया हुआ था 2:3, तो 3 और 2 5, 5 यूनिट बराबर 5,000, तो 1 यूनिट बराबर 1,000 है। तो 1,000 एक किया है तो बी 2,000 करेगा और सी 3,000 करेगा। इसका जब रेशियो निकालें तो एक यहाँ पे 1, 2, 3 मिला, मीन्स की टोटल यहाँ पे 6 यूनिट था, उसमें से सी का यूनिट कितना था 3, और टोटल लाभ कितना होता है 2,400। जब यहाँ पे डिवाइड किए तो 6 और 4, 4 और 400 × 3 करें तो यहाँ पे 1,200 आ गया, और हम का जो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ज़रा ध्यान दीजिएगा। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो वो धनराशि बताना है, मीन्स कि फिर से आपको पी बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, तो 5% का 2 वर्ष का CI कितना होता है? 5% का जो है 2 ईयर्स का यहाँ पे CI कितना होगा? CI जो होगा आपका यहाँ पे 10.25, ठीक है, 10.25 होगा यहाँ पे 5% का 2 ईयर्स का CI। ठीक है, यहाँ तो समझ में कि मीन्स कि 5% का 2 ईयर्स का CI कितना होगा? 10.25। तो ये 10.25 जो CI है किसके बराबर है भाई? 328 रुपये के बराबर है। तो मुझे यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हमें करना होगा कि 100 का वैल्यू आपको 100 पे निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 10.25 जो है इसका CI 328 रुपये के बराबर है, तो 1 का निकालेंगे उससे तो 100 का निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर 100 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.25 × 100। क्लियर, तो यहाँ पे 10.25, तो ये तो ऊपर चला जाएगा एक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 25 × 100, और यहाँ पे 25 से कम 25 हो जाएगा, ये 25 × 100 हो गया। क्लियर, और ये जो डाटा बना है इसके लिए ही बना था कि 8 और 8 × 32, मीन्स कि 8 × 3200 रुपया यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, ए नंबर सॉरी सी नंबर ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 5% का 2 वर्षों का CI निकालना, तो सक्सेसिव मेथड निकाल लीजिए ना। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, 5 + 5 + 5 × 5/100 ये होता है, 5 × 5 = 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 5 × 5 = 25 हो गया, 100, तो 10 + 0.25 कितना हो गया? 10.25। ठीक है, इससे से हम निकाल लेते हैं। तो ये 10.25 कहाँ से आता है? अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 10.25 यहाँ से सक्सेसिव मेथड से आया था। चूँकि यहाँ पे 5% की बात हो रही है, तो 5% का कितना आया, जो 2 वर्ष का CI कितना आया? 10.25%। ठीक है, 25%। तो यहाँ पे अगर हमने 10.25% की यहाँ पे अगर वैल्यू हमने पता किया कि ये जो CI है 10.25% है वो किसके बराबर है? 328 के बराबर है। तो 1 का निकाला, फिर उसके बाद 100 का निकाला, तो 100 पे हमें 100 पे निकालेंगे क्योंकि परसेंट की यहाँ पे बात हुई। अगर हम परसेंटेज की बात है तो हमें से 100 पे काउंट होता है, तो 100 पे जब निकाला तो यहाँ पे 3200 रुपया मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड एक और है जिसको आप इस मेथड से भी बना सकते हैं कि 5% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20। ठीक है, ये पी होता है, ये आई होता है, इंटरेस्ट होता है। तो पी को मान लीजिए यहाँ पे ले, ये पी को मान लीजिए कि यहाँ पे पी को मान लीजिए कि पी का जो है 20 का स्क्वायर है, मीन्स कि 400 हो गया। इसको लेट कर लीजिए, लेट जो 20 का है, ये पी जो है 20 का स्क्वायर कर लेते 400। ऐसा करने का रीज़न ये है कि जब हम 1/20 से, ठीक है, 5% का जो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है, जब 1/20 से डिवाइड करेंगे इसको फर्स्ट ईयर का, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का अगर डिवाइड करते हैं किससे, 1/20 से, तो कितना आता है? मीन्स कि 5% अगर यहाँ पे इसको मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर इसका 5% मानते हैं, तो 5% का वैल्यू कितना आएगा? 20। या 1/20 से डिवाइड करते हैं 20, सेकेंड ईयर का भी अगर हम यहाँ पे उसी तरह करते हैं तो कितना आएगा? फिर से 20। ठीक है, तो ये तो हो गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का जो CI और SI समान होता है। फिर से सेकेंड ईयर की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ईयर यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर का और यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का जो होता है CI समान होता है। फिर से अगर यहाँ पे बात करते हैं, अब अगली बार यहाँ पे बात हुआ है सेकेंड ईयर का, ठीक है, फिर से जो 20 पर फिर 5% जो लगेगा वैल्यू, इसका परसेंट वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? 1। ठीक है, 1। तो देखिए टोटल जो इंटरेस्ट कितना आ गया, 20 ये आ गया, 20, 40 और 41। ठीक है, फर्स्ट ईयर का तो पता है CI SI सेम होता है, फिर सेकंड ईयर में उसका जो अगर हम निकालते हैं
फिर से उसका जो परसेंट वैल्यू होता है, मीन्स कि 5% की और बात करते हैं, तो 5% कितना होता है, 20 का 1 होता है। तो टोटल यहाँ पे CI कितना हो गया, 41 यूनिट हो गया। ठीक है, 41 जो यूनिट अगर हम बात करते हैं, टोटल यहाँ पे 41 यूनिट क्या हो गया, मेरा CI हो गया। 41 यूनिट किसके बराबर है भाई, 41 यूनिट 328 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8। तो हमें कितना का चाहिए, यहाँ पे हमें 400 का यूनिट चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने लेट माना था कि जो पी आपका है ये कितना है, पी आपका जो है 400 है। ठीक है, पी कितना है, 400 है। तो यहाँ पे 400 की अगर वैल्यू करते हैं तो 4 8 का 32। ठीक है, 4 8 का 32, 3200 रुपया यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो 5% का 2 वर्ष का जो सक्सेसिव मेथड है वो आप रट लेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, कि 10.25 का परसेंट, 10.25% बराबर 328 रुपये, 1 का निकाल के 100 का निकाल के आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपको एक काफ़ी हद तक हेल्पफुल होंगे और इस वर्ष सिलेक्शन आपको इसमें क्लर्क में जरूर दिलाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।